प्रशांत का रेगिंग फ्रॉम कोलकाता। तो फिर ये जो मैं वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, ये भी एक रिक्वेस्ट का वीडियो है नाइजी का। तो मैं ये वीडियो भी उसी तरह जैसे कि मैं पहले दिखाया था, तो उसी तरह ड्राफ्टिंग और पैटर्न बनाकर कागज में दिखाऊंगा फ्रेंड। और जैसे कि ये बहुत इजी है, जैसे कि उन्होंने हमें बोला जैसे कि आप ड्राफ्टिंग दिखाए तो काम चल जाएगा, तो उसी हिसाब से मैं ये दिखा रहा हूँ। और कुछ भी नहीं है तो चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे हम इसको ड्राफ्टिंग और पैटर्न करें। पर इस नाइटी का देख रहे हैं आप, ये नाइटी का ये डिज़ाइन स्क्रीन पर भी आप देख ही रहे हैं ये डिज़ाइन। तो ये कैसे हम तैयार करें, तो ये देखिए, इसके लिए जैसे कि बेसिक पैटर्न होना बहुत ज़रूरी है, जिस तरीके से मैं बोलता हूँ और उसे ड्रॉ करके रखा है। और जैसे कि आपको ये इस टाइप का डिज़ाइन करने के लिए फ्रेंड, ये देखिए जो हमारा स्लीव है, तो ये जो पॉइंट है, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है कि हमें कहाँ तक इस पॉइंट को लाना है हमें, ठीक है। आप चाहे तो इस जगह ले सकते हैं, मगर हाँ एक बात, जैसे कि आप सैंपल से आप कॉपी करें, तो जैसे कि हम तो इमेज से कर रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा है किस जगह से हम करें, तो ठीक है हमारा मर्जी है, मगर कोई आपको सैंपल दे तो उसे हिसाब से करना पड़ता है। तो हम जैसे कि इस जगह में अगर इस पॉइंट को ले, ठीक है, तो डिज़ाइन जैसा है ये देखिए, इस पॉइंट को हम ऐसे लेंगे, इस जगह ऐसे लेंगे, तो कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ा सा ऊपर हम इसके ले लेंगे, हम इस जगह को ऐसे ले लेंगे हम, ठीक है, और ऊपर में थोड़ा सा डीप भी दे देंगे। और उसके बाद हमारा जो नेक है वो थोड़ा सा छोटा है फ्रेंड, ठीक है, ये देखिए इसी तरह। और एक बात बता दो फ्रेंड, जैसे कि कभी कभी ये हम लोग इस तरह का नेक, अगर ये हमारा बेसिक पैटर्न में जैसा है वो अगर ठीक ठाक ना लगे तो थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ता होता है। तो चेंजिंग जब करें तो आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड, जैसे कि इस जगह को हम करें तो हमारा शोल्डर ठीक ठाक होना चाहिए, ठीक ठाक। हम ऐसा करें, ऐसा कर दें, ये तो फिक्स्ड हो रहा है, मगर ये तो बड़ा हो जा रहा है, मगर तब क्या करना है, इधर भी थोड़ा सा ऊंचा लेना है। जैसे कि इस टाइप का वीडियो मैंने बहुत दे दिया है और वो सभी ठीक ठाक है। चलिए हम अपना जो नेक है, चलिए सब ठीक ठाक है, हम यहाँ से हम लेंगे यहाँ तक, ठीक है। और ये कुछ भी नहीं है, आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये दो तरीके से किया जा सकता है। एक जब हम इसे उल्टा करके इस पाइपिंग को हम सीधा लगाए तब इसका अंदर हम दे सकती है, जैसे कि इसी तरह कोई पार्ट अगर ऐसे आए तो इसके अंदर ऐसे दे सकते हैं, और नहीं तो ये ओवरलैप करके जैसे कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ऐसे करके एक पोटी को हम इसे दे देंगे इस जगह को। जैसे कि एलन में हम साइड पोटी जुड़ते हैं तो उसी तरह एक पार्ट है इसको, और इसको भी आप डेकोरेट कर सकती है आप, ठीक है जी, आप इसी तरह कर सकते हैं इस पार्ट को, ठीक है, इसी तरह दो पार्ट कर सकती है, तीन पार्ट कर सकते हैं इसी तरह, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इस जगह को तब प्लीट देना है इसी तरह इस जगह को प्लीट देने के बाद ये ऐसे छोड़ देने से ये ऐसे बन जाता है, ठीक है, वो हम नहीं दिखाएंगे। तो अब क्या करना है फ्रेंड, हमें ऐसे करना है, ये देखिए इस जगह को हम ऐसे करेंगे, और ये बहुत सिंपल है, आपको एट फर्स्ट देखना है ये पॉइंट कहाँ तक जा चुका है। आप चाहे तो इस जगह में दे सकती है पॉइंट, ठीक है, इस जगह को जब हम स्लिप करें तब ऐसे कर देंगे, ये अलग से कपड़ा आप दिख ही रहा है इस जगह को। और एक बात देख रहे हैं, जैसे शोल्डर जिस जगह में है उस जगह में व्हाइट है, और तो उसमें क्या है, थोड़ा सा शोल्डर नीचे चला गया है, तो वो कोई बड़ा बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, क्योंकि जो नेक है वो बहुत छोटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और आजकल क्या है, जैसे कि आगे क्या होता है फिर, नाइटी बहुत ढीला ढाला पहनते, तो अब क्या रहा है जी, नाइटी भी फिटिंग्स धीरे धीरे आ रहा है, जैसे कि हमारा कमीज बनाते हैं उसी हिसाब से लोग फिटिंग्स करके नाइटी पहनते हैं, तो ठीक है। तो ये आपको ऐसे तय करना है, उसके बाद ये हमको कटिंग करना है, ठीक है, बेसिक जैसा है वैसा ही रहेगा, और ये ऊपर का हिस्सा जो वैसा है ये ऐसा है, और चलिए हम ऊपर का हिस्सा ले, और ये ऐसा, बहुत ही सिंपल है फ्रेंड, ये देखिए, ठीक है। और उसके बाद ये पार्ट हमारा हो गया तैयार, और दूसरा नीचे वाला जितना बड़ा है वो पार्ट हमें लेना है, ठीक है, हम इधर रखें, ठीक है। तो
अब क्या करना है, इस पार्ट को हम फिक्स रखेंगे। इस पार्ट को फ्रेंड आप ध्यान से देखें, इस जगह में हम पाइपिंग लगाएंगे, पाइपिंग लगाकर इसको हम फिनिश करेंगे, ऐसा ही रखेंगे। मगर इस जगह का हमें ठीक ठाक सभी करना है। तो इस जगह के लिए हम दोबारा इस पार्ट को ड्रॉ करेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है, दोबारा ऐसे ऐसे करेंगे। और जैसे कि मैंने बोला, एक तरफ सीम्स ले रहा हूँ, आप 0.75 से लेकर 1 इंच तक आप ले सकती है। ठीक है, अब ऐसा ले इस जगह के। ठीक है, और एक पार्ट जैसे कि हमें चाहिए, ये करने के बाद जैसे कि आपको दोबारा प्रॉब्लम कटिंग करना पड़ेगा। चलिए मैं एक बार ही कर दूँ, ये इसको कटिंग कर दूँ। ठीक है, तो आपको सिर्फ इसको एक ऐसे देकर रखना है। ठीक है, क्योंकि ये हमें पता चले ये हमारा ऊपर है और ये हमारा ऊपर, और इसी तरह ऐसे निशान बना हुआ है। ठीक है, तो इसे करने से दोबारा प्रॉब्लम होगा। और ये फोल्ड है, इसे फोल्ड से आपको लेना है। ये देखिए, जैसे हम लेंगे इस तरफ आपको लेना है फ्रेंड, हाफ इंच लेना है। और हम इस जगह को हम इसके ऊपर बैठा सकता है, तब हमें ऊपर में भी सीम्स लेना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए नीचे में से ऐसे हम लेंगे इस पार्ट को। चलिए ये हो गया, और हम दूसरा क्या करेंगे, अलग से हम ले लेंगे, ये ऐसे ले लेंगे, ये ऐसे, और नीचे में से जैसे कि बोला 0.75 से लेकर ये हाफ इंच लेंगे इस तरफ। ठीक है, ये हाफ इंच, ये हाफ इंच। ठीक है, ये हमारा हो गया, हमें ऐसे करके रखना है। बहुत ही सिंपल है। और एक पार्ट ऐसे, ठीक है फ्रेंड, ये दो पार्ट हमारा तैयार हो गया है। और ये हमारा जो बेसिक पार्ट है, तो उसके बाद देखिए फ्रेंड, मैं जब जुड़ूंगा इसे, ये सीम्स होने के बाद, फिटिंग्स होने के बाद, ये ऐसा हो जाएगा, और ये ओवरलैप है, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख ही रहे हैं, ये एक पार्ट है। तो इस जगह को आप उसी तरह जैसे कि स्ट्राइप करा हुआ है, वो जगह है, वो आप ले सकते हैं इस जगह को। और इस जगह में अलग से आप पढ़ ले, जैसा है पिक्चर में आप जिस तरीके से देख रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपको लेने से। और एक बात फ्रेंड, इस जगह को फिटिंग्स करने के लिए आपको जो नाइटी का जो बेसिक पैटर्न है, वो आपको इसी तरह लेना है पहले। ठीक है, क्यों लेना है फ्रेंड, वो लेना है इसलिए जैसे कि इस जगह में जब हम इसे फ्री हैंड कटिंग करें, जैसे कि इस जगह में भी जब हम इसे लगाएंगे, तो इसी तरह बेसिक को लेकर हम लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह बेसिक को लेकर हम इसे लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, इसी तरह बेसिक को रखना है। ये देखिए, ये हमारा जो बेसिक है, वो उसी तरह हम रखे हैं इस जगह को, और ये ऐसे। ठीक है, और उसके बाद ये इसके ऊपर जाएगा, ये इसके ऊपर। ठीक है, तो बेसिक रखने के बाद क्या होगा, इस जो ऐसे 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 नहीं हिलेगा, इधर उधर नहीं हिलेगा, ये सीधा कितना हिलेगा ये हमें बता देगा इस जगह को मेजरमेंट से। ठीक है, तो ये सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आप पहले जैसे कि जो लोग नहीं जानते हैं, तो आप पहले नाइटी का बेसिक सिलाई आप जान लीजिए, उसके बाद जैसे कि इस तरह कोई डिज़ाइन करे आप लोगों के लिए आसानी होगा। और जिन लोगों ने रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उन लोगों को इसी तरह स्टाइल से बहुत इम्प्रूव हो रहा है। जैसे कि उन लोगों को क्या करना है, जैसे कि जो उन्होंने सीखी जो, तो वो दिखाने के जगह मिल जा रहा है। जैसे कि मैंने तो स्टिचिंग नहीं दिखा रहा हूँ, तो उन्होंने अगर सीखी तो ये ड्राफ्टिंग देख कर खुद ही बना सकती है ये ड्रेस। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। तो चलिए, मैं इस को ध्यान में रखते हुए मैं आगे भी जाकर इसी तरह
बहुत 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 डिज़ाइन हम अपलोड कर देंगे। इसी तरह कामिज के हो ही और कोई भी डिज़ाइनिंग वाला पैटर्न हो सभी हम दे देंगे धीरे धीरे करके। फ्रेंड आप देखते रहिए हमारा वीडियो इसी तरह और सीखते रहिए, घर में बैठकर ही सीखते रहिए, आपको बाहर एक पैसे देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। मैं इसी तरह जो डायरेक्ट दिखाता हूँ, कोई कटिंग छटिंग करके नहीं दिखा रहा हूँ और कुछ भी हाइड करके नहीं दिखा रहा हूँ। आप इसी तरह हमारा चैनल को फॉलो करते जाए और मैं देख ही रहा हूँ जैसे कि हमारा सब्सक्राइबर 24,000 हो गया है, तो ये आप लोगों की आशीर्वाद से ये मैं हो रहा है। और आप लोग जिस तरह देख रहे हैं और मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए, नया नया एनालाइज करके कुछ लेकर आता हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए। और ये उम्मीद रखता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा ये वीडियो। तो चलिए आज के लिए इतना सही था। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि एंड गुड नाइट।